हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम 8 जून 2020 का करंट अफेयर्स करने वाले हैं और ये एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, अलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ एवं ऐसे जो भी एग्ज़ाम हैं जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और इसमें द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआईबी, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सभी कवर की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो पहला सवाल है वो है, हाल ही में G20 समूह ने COVID-19 से लड़ने के लिए कितनी धनराशि की सहायता दी है? तो जो G20 नेशन है, इन्होंने $21 बिलियन देने के लिए बोला हुआ है कि 21 बिलियन जो डॉलर हैं वो हम COVID-19 से लड़ने के लिए जो सहायता है वो करेंगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में G20 का समिट हुआ था और इसकी मेज़बानी किसने की थी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और किसके बीच साझेदारी हुई है? तो अभी जो अटल इनोवेशन मिशन और CSIR के बीच में साझेदारी हुई है, जो भी नवाचार हो रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए। बात करें अगर CSIR की, तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके जो अभी महानिदेशक हैं वो शेखर सी मांडे जी हैं। नाम याद रखिएगा इनका, शेखर सी मांडे। चलिए अगला सवाल, हाल ही में रोमानिया में किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया में जो भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है ये हैं राहुल श्रीवास्तव जी। नाम याद रखिएगा, राहुल श्रीवास्तव ये नए राजदूत बन गए हैं रोमानिया के लिए, भारत के। बात करें अगर रोमानिया की, तो यहाँ की कैपिटल है बुकारेस्ट, करेंसी यहाँ पर रोमानियन लियू चलती है, याद रखिएगा लियू। और यहाँ के जो पीएम हैं वो लुडोविक हैं और प्रेसिडेंट क्लाउस आयोहनीस। नाम याद रखिएगा प्रेसिडेंट का, क्लाउस आयोहनीस। चलिए अगला सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा 7 जून। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो ये सभी का काम होना चाहिए कि वो फूड को बचाए, सेव करे। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना बर्बाद कर देते हैं, और ऐसे बहुत से फाउंडेशन चल रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे फाउंडेशन चला रहे हैं कि घरों से, होटलों से वो लोग जो बचा हुआ खाना है वो एकत्रित करते हैं और उसे प्रिजर्व करते हैं, और फिर अगले दिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो रोड के किनारे घूमते रहते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, जिससे उस बचे हुए खाने से किन्हीं लोगों का पेट भर सके और वो अपनी ज़िंदगी आगे जी सकें, कि अगला दिन देख सकें, कम से कम उस दिन तो उनका पेट भर जाए। तो बहुत से फाउंडेशन ऐसा काम करते हैं। तो ये आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप खाना बर्बाद ना करें, अगर बचता है तो आसपास अगर आपके कोई ऐसा दिखता है तो आप उसे दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में जो नया राजदूत नियुक्त किया गया है ये मोनिका मेहता जी को किया गया है। नाम याद रखिएगा, मोनिका मेहता। और जो स्विट्जरलैंड में पहले यहाँ पर थी वो सिबी जॉर्ज जी थी, ठीक है, नाम याद रखिएगा उनका भी, सिबी जॉर्ज। और उनको अब कुवैत का राजदूत बना दिया गया है और स्विट्जरलैंड में मोनिका मेहता जी को बना दिया गया है।
बात करें अगर स्विट्जरलैंड की, तो यहाँ की कैपिटल है बर्न, लार्जेस्ट सिटी ज्यूरिख है और करेंसी यहाँ पर स्विस फ्रैंक चलती है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किसे UNADAP ने अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया है? तो ये जो बनाया हुआ है गुडविल एम्बेसडर, ये एम नेत्रा जी को बनाया हुआ है और ये मात्र 13 ईयर की एक गर्ल हैं और इन्हें UNADAP ने अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बना दिया है। तो नाम याद रखिएगा इनका, एम नेत्रा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व महासागरीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड ओशन डे है, महासागर दिवस, ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा 8 जून। और जो इस बार की थीम रखी गई है, जो वर्ल्ड ओशन डे है, इसकी जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ठीक है, याद रखिएगा, थीम बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। तो इस बार की जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये हर साल ओशन के महत्व एवं इसके संरक्षण के लिए जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है 8 जून को। और इस महीने जून में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट डेज थे, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हमने पहले ही ये पढ़ चुके हैं हम। तो जो इम्पॉर्टेंट और भी डेज़ हैं जून के, तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन, ये 4 जून, रूसी भाषा दिवस 6 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, और जो हमने अभी पढ़ा है विश्व महासागरी दिवस, ये 8 जून को होता है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में हमजा कोया का निधन हो गया, यह कौन थे? तो अभी हाल ही में हमजा कोया जी का निधन हो गया है और ये एक बहुत ही बड़े फुटबॉलर थे। याद रखिएगा इनका नाम, फुटबॉलर थे ये हमजा कोया जी, और ये 80s के टाइम में महाराष्ट्र की तरफ से संतोष ट्रॉफी खेलते थे। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हमजा कोया किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, तो ये एक फुटबॉलर थे। सो थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं अब कल के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे BAFTA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया था कृष्णेंदु मजूमदार जी को। याद रखिएगा कृष्णेंदु मजूमदार। और जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाल ही में किसे ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम कमेटी जो बनाई गई है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।